बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध हुकूमत ने जो मुझ पे एक दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया है, मैं बताना चाहूंगा कि असल दहशतगर्द है कौन। मेरा कसूर तो यह है कि मैंने सिंध हुकूमत को एक्सपोज किया, पीपल्स पार्टी का असल चेहरे को एक्सपोज किया। हमने दीगर स्कूल दिखाए जहां इन लोगों ने मैसिव करप्शन किए, अस्पताल दिखाए, कोरोना में जो इन लोगों ने सिंध की आवाम पे जुल्म किए उसका असल चेहरा दिखाया, जो थर के बच्चों के साथ जुल्म इन लोगों ने किया उसका असल चेहरा दिखाया। हमने सैलाब के टाइम पे जाकर डिफरेंट एरियाज में, आपने दीगर वीडियोस मेरी देखी होंगी, दीगर पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें हमने जाके सिंध की आवाम की खिदमत की। तो क्या ये दहशतगर्दी है? असल दहशतगर्द तो ये लोग हैं जो थर के बच्चों की लाशों पर सियासत करते हैं, जो अस्पताल के पैसे खा जाते हैं, जो सिंध की आवाम के स्कूलों के बच्चों के पैसे खा जाते हैं, जो पेंशन के पैसे खा जाते हैं, जो जकात के पैसे खा जाते हैं, जिन्होंने आज आधे सिंध में एड्स फैलाया, जो कुत्तों की वैक्सीन पे पैसे खा जाते हैं। तो ये दहशतगर्दी है या जो मैंने पहले बयान किया वो दहशतगर्दी है? आज मुझ पर, ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पर और हमारे दीगर कारकुनों पर दहशतगर्दी के केसेस डाल दिए गए हैं। हमारा कसूर क्या है? हमारा ये कसूर है कि हम सच और हक की बात करते हैं। मैं आज इन पीपल्स पार्टी वालों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर वो ये समझते हैं कि इन झूठे केसेस से, ये हथकंडों से हमारी आवाज बंद कर देंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। आज मेरा हौसला, आज मेरी हिम्मत पहले से ज्यादा बुलंद हो चुकी है। खान का सिपाही हूं, मेरी आवाज को बंद करना इतना आसान नहीं है। आज आप लोगों का असल चेहरा लोगों के सामने आ चुका है कि आपने एक ऐसे इंसान को जो कभी जेल नहीं गया, जिस पे कभी कोई केस नहीं आया, उस पे 4 ATC के केसेस डाल दिए और वो केसेस डाले जहां मैं मौजूद भी नहीं हूं, तो आज पूरी आवाम ने आपका असल चेहरा देखा है। दुख की बात यह है कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो सिंध की आवाम के पैसों से उनको तनख्वाह मिलती है, आज इनके अहलकार बने हुए हैं, आज इनके जो हैं वो पेट्स बने हुए हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनके इशारों पे नाचते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाह जाती है। जो जो हम पे केसेस बने, जो जो ट्रांसपोर्ट के या जो भी मशीनरी यूज की गई वो किसके पैसों से थी? सिंध के अवाम के पैसों से थी, जो ये लोग अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये इनका असल चेहरा है। ये इस सिंध प्रोविंस में किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो इन पे तंकीद करे, जो हक और सच की बात करे, जो सिंध की अवाम की बात करे, जो सिंध के मसाइल की बात करे। पर मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आप अच्छी तरह जानते हैं मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं और मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूं। मेरी आवाज बंद नहीं कर सकेंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब आप लोग सब जेल में होंगे, सारे चोर सारे लुटेरे जो हैं वो जेल में होंगे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है और मशवरा है कि जल्द से जल्द ये थोड़ी जो छड़ियां आ जाती है ना आपके हाथ में, फौरन ये छड़ियां खरीद लें, सिंध हुकूमत जो है नई APCs मंगा लें, क्योंकि आधे होंगे तो एसी भी नहीं चलते जिसमें हमें लेके जाया जाता था। हमने तो बर्दाश्त कर लिया, खान के सिपाही थे, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत जल्द ये जुल्म और जबर जो आपने फैलाया सिंध हुकूमत ने इस प्रोविंस में, इसका जवाब देना पड़ेगा। आज पूरे सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आवाम बाहर निकल आ चुकी है अगेंस्ट द इलीगल अरेस्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और हमारे दीगर कारकुनान पे जो केसेस बनाए गए। मैं ये बताना चाहता हूं कि 16 फरवरी को PS-88 के इलेक्शन वाले दिन जब हलीम आदिल शेख अपना वोट कास्ट करने गए तो पीपल्स पार्टी के गुंडों ने उन पे हमला किया और उन्होंने पे ही बाद में झूठा केस बना दिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़ाई एक झगड़ा वहां हुआ और पीपल्स पार्टी का एक भी इंसान नॉमिनेटेड नहीं है, उस पर कोई कंप्लेन नहीं है, FIR नहीं है और हमारे दीगर कारकुनों पे और ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख पे FIR होगी और अरेस्ट करने के बाद उनको भी उसी तरह झूठी FIR पुरानी FIR उसमें अरेस्ट कर लिया गया। आज हमें अपने अदालत पे पूरा भरोसा है कि हक और सच बोलबाला होगा और मुझे अपनी फेडरल गवर्नमेंट पे पूरा एतबार है कि जो ये जुल्म और जबर पीपल्स पार्टी ने सिंध में फैलाया हुआ है इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, इसकी सजा इनको जरूर मिलेगी और इंशाल्लाह ताला मेरा कप्तान तुम में से एक चोर को भी नहीं छोड़ेगा।